समस्तीपुर के डीएम ने सिंगिया प्रखंड में विभिन्न योजनाओं की जांच की। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की जांच डीएम योगेंद्र सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने लादा में किसान फॉर्म का निरीक्षण किया। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय माही का जांच की, जहां वर्ग में जाकर बच्चों को शिक्षा की गुणवत्ता की भी जांच की और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी देखने पर सुधार लाने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान एमडीएम की जांच के अलावा साफ सफाई, छात्र उपस्थित आदि की भी जाँच की। वही बछूलिया से डोडिया जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जांच की, तो स्थानीय लोगों ने डीएम से शिकायत की कि इस गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण नहीं की जा रही है, पानी का पटवन नहीं किया जा रहा है और रोलर का भी प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे सड़क निर्माण का कार्य में गुणवत्ता की कमी देखी गई है, जिसे सुधार करने का निर्देश डीएम ने दिया। वहीं इस योजना की जांच आरसीडी विभाग से करवाने की बात डीएम ने कही है। जहांगीरपुर पंचायत स्थित पैक्स गोदाम की जांच की। वहीं प्रखंड मुख्यालय पहुंचने के बाद प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के बाद डीएम ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार, डीसीएलआर अमित कुमार, बीडीओ पंकज कुमार, शक्तिधर अंचलाधिकारी अरुण कुमार, थाना अध्यक्ष कृष्ण कांत मंडल, पीओ डॉक्टर प्रेम कुमार लाल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अरुण शेखर कुंवर, पूर्व मुखिया निरंजन सिंह, प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, उप प्रमुख रिंकू सिंह, राम प्रवेश साहू, जगन्नाथ पोद्दार, नीतीश कुमार शर्मा, शमशेर सिंह, वार्ड सदस्य के अलावा अन्य कई लोग मौजूद थे। वहीं प्रखंड प्रमुख ने जमीन संबंधित मामले को लेकर रजिस्टर 2 उपलब्ध कराने, जल निकासी के मामले, डोंगल संबंधित मामले, कुंडल 1 में पार्क निर्माण से संबंधित मामले से डीएम को अवगत करवाया है। कंप्लायंस करने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा भी जो एसोसिएशन थी, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी सारी चीज़ों को, चाहे वो फिटनेस की बात हो, संख्या की बात हो, सारी चीज़ों को ध्यान रखकर के ही उनके द्वारा कराया जाए। एक चीज और, प्राइवेट स्कूल में 25% निर्धन छात्र को पढ़ाना है, वो इस एरिया में खास करके समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद 5% भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो 25% निर्धन छात्र को पढ़ा रही है। आरटीई को जो लागू करना था, इसका नियमित तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा और मासिक जो बैठक होता है उसमें हम लोगों के द्वारा भी रिव्यू किया जाता है। इसमें जो स्कूल वार आंकड़े आते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, मुख्यालय को भी भेजे जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं या कई दूसरे तरीके के उसमें भी विद्यालय होते हैं जिनका डेटा नहीं रहता है या कम बच्चे रहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई अगर विद्यालय विशेष के प्रति ऐसी बात है तो उसको अगर दिया जाएगा तो हम लोग जाँच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। बगल में हसन सिंहिया में विद्या वाटिका, हसनपुर में पीसी पक्षा, स्ट्रक्चर बहुत सारा विद्यालय है। आने पर हम लोग उसको करेंगे। नगर पंचायत में सारे जगह जैसे भी कंप्लेंट मिला है कि साफ सफाई नहीं हो पा रही है। नगर पंचायत के मुख्य गेट के जस्ट बगल में पीएससी है, वहां पे कचरा आज तक कभी उठाया ही नहीं गया है। कचरा निष्पादन को लेकर एनजीओ है, हॉस्पिटल एनजीओ रहता है, उनका ले लीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं उनका ले लीजिए, कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या उद्देश्य रहा और क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र में आकर के हम लोग देखते हैं कि जो योजनाएं इतिहास होती है, लोगों से प्रेक्षित करते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं, निपटारा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आज यहाँ भ्रमण के क्रम में हम लोगों ने केवीके में जाकर के वो जो है किसी सीडर से बुआई वगैरह का था और बाकी चीज़ों कृषि यंत्रों के बारे में, यांत्रिकीकरण के बारे में सरकार काफ़ी सब्सिडी दे रही है उसके लिए, प्रचार प्रसार के लिए, प्रयोग करने के लिए, उन चीज़ों को भी हमने वहाँ पर देखा। इसके बाद में विद्यालय का भ्रमण किया, पंचायत में अन्य भी चीज़ों को देखा, सड़क को भी देखा। यहाँ पर कुछ हमारे जो शिकायत लेकर के आए थे पब्लिक, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की, पदाधिकारियों का, कई सारे प्रखंड स्तरीय और मंडल स्तरीय पदाधिकारियों का यहाँ पर रिव्यू भी किया गया उनकी बहुत सारी चीज़ों का, और वो चाहे धान खरीद की चीज़ हो, चाहे बाकी भी चीज़ों का बात हो, सभी चीज़ को हम लोगों ने रिव्यू किया और जो भी उसमें कमी बेसी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ के हमारे जो प्रखंड के माननीय जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा भी बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को अवगत कराया गया, उसमें भी जो हम लोगों को आगे करना है उसको हम लोग करेंगे। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।